हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ में मनीषा झा लेकर आई हूँ आपके लिए एंटरटेनमेंट का डबल डोज। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा लंबे वक्त से चर्चा में है। पुष्पा के मेकर्स ने जब से फिल्म का टीजर जारी किया है तब से फैंस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, जिसके बाद फिल्म के लिए फैंस के क्रेज को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म को दो भागों में रिलीज करने का ऐलान किया। लेकिन रिलीज के ऐलान से साफ हो गया है कि इस साल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा। अभी देखिए आखिर ये क्लैश किन फिल्मों के बीच होने वाला है। दरअसल मंगलवार को मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। फिल्म इसी साल 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। पहले यह फिल्म अगस्त के महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने सारा प्लान चौपट कर दिया और अब यह फिल्म क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि अगर कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो हो सकता है कि मेकर्स इस रिलीज डेट में फिर से बदलाव कर दें। इस ऐलान के साथ ही फिल्म की सीधी टक्कर आमिर खान और करीना कपूर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा से होगी। आमिर की फिल्म भी इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर इस क्लैश का नतीजा क्या होता है। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा के पहले पार्ट में अल्लू अर्जुन की टक्कर फहाद फासिल से होगी, वहीं दूसरे पार्ट के लिए सोनू सूद का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। एंटरटेनमेंट से जुड़ी और भी तमाम चटपटी खबरों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ।